देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को रीवा में थे। उनके भाषण पर पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने उठाए सवाल। कमलेश्वर पटेल का साफ तौर से कहना था, प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र किया, तमाम तरीके के उसमें आरोप लगाए। वहीं उनके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ करते हैं। यही नहीं, किसानों की आय डबल कहां हुई, किसान जिस तरीके से आत्महत्या कर रहा है, जेल जा रहा है, तरह तरह से किसान को परेशान कर रहा है, ये बताता है कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई। सुनिए कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा। आज देश के प्रधानमंत्री रीवा आए थे, एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों का पूरी तरह से अधिकार छीन लिया और पंचायती राज के स्थापना दिवस मनाने के लिए आए थे, दिवस मनाने के लिए आए थे कि पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाने के लिए आए थे, ये चिंता का विषय है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संवैधानिक दर्जा देती है, पूज्य महात्मा गांधी जी, नेहरू जी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जो सपना देखा था, जिस दिशा में उन्होंने काम किया था, उसको मजबूत बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार अधिकार छीना है और दूसरी तरफ उत्सव मनाते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इनको माफी मांगना चाहिए और सरकारी धन का जो लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसका दुरुपयोग बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने रीवा में बयान दिया है मोदी जी के सामने कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। एक तरफ किसान सुसाइड कर रहा है, किसान कर्ज वसूली में जेल में जा रहा है, बिजली वसूली में जेल जा रहा है, कुड़कियां हो रही है, विक्षिप्त यहां तक कि वृद्ध महिला के साथ, इसी प्रदेश में किसान महिला के साथ क्या बर्ताव हुआ था सागर जिले में, वो जीता जागता उदाहरण है। इस तरह के कई गांवों में किसानों को नोटिसेस जारी है बिजली विभाग के, किसानों की वसूली का अगर छोटा मोटा लोन लेके रखा है। दूसरी तरफ हमारी सरकार किसानों का कर्ज माफी भी करने का काम की थी, किसानों को लगातार हमारी देश और प्रदेश की सरकार ने राहत देने का काम किया, इन्होंने पूरी सुविधाएं छीनने का काम किया। नया जो किसान बिल लाए थे उसमें 700 से ज्यादा किसानों की जाने ले ली। प्रदेश में हमारा किसान अभी चाहे अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, इससे फसलों का नुकसान हुआ, तात्कालिक कोई भी मुआवजा नहीं मिला। और जो इनका सम्मान निधि भी है, इनका सम्मान निधि सिर्फ दिखावे का है, कई लोगों को उसका भी वसूली का नोटिस जारी हो गया। विधानसभा में खुद सरकार की तरफ से जवाब आया है कि किसानी घाटे का सौदा है, किसी भी प्रकार का किसानी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। विधानसभा में हम लोगों ने भी कई बार प्रश्न पूछे पर जवाब इस तरह का विधानसभा में नहीं दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने कौन सा आंकड़ा पेश किया है, कौन सी जानकारी के साथ इस तरह की बातें की है, कहीं न कहीं ये लगातार किसानों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, किसानों के को दुखित करके और किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया इस तरह की बातें की। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आए थे और जिस तरह से उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल के बारे में टिप्पणी की है, हम समझते हैं कि एक तरफ उनके ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कई बार छिंदवाड़ा मॉडल और छिंदवाड़ा के विकास की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और एक तरफ मोदी जी का इस तरह का बयान कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकता है, उनका जो विकास को लेके जो खोखले वादे है, वो उसी तरह का उन्होंने झूठी बातें यहाँ पे कही है। जबकि सच्चाई ये है कि छिंदवाड़ा का चहुमुखी विकास कमलनाथ जी ने किया है। आज छिंदवाड़ा में हर चीजें वहाँ पे मौजूद है, हर सुविधाएं वहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज से लेके, इंडस्ट्री से लेके, रोजगार के लिए बहुत सारे अवसर है, गांवों का भी विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, विद्युतीकरण है। हम समझते हैं कि एक विकसित जिले में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए वो सारी चीजें छिंदवाड़ा जिले में विद्यमान है। और शर्म की बात तो ये है, दुख की बात ये है कि जो काम प्रदेश के मुख्यमंत्री को 18 वर्षों में दूसरे जिलों में करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आज अगर हमारी सरकार चल रही होती तो छिंदवाड़ा मॉडल का स्वरूप दूसरे जिलों में भी दिखाई देता। पर दुर्भाग्य है कि भाजपा के नेता विधायकों को खरीद फरोख्त करके हमारे सरकार को गिराने का काम किया और उल्टा
इस तरह की बातें करके जो मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता मुंहतोड़ इनको विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।